टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ मयूर फेस वन में, जो कि ये सोनू सूद के नाम से चूर चूर नान का स्टॉल लगा है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है और इसकी स्टोरी क्या है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, नाम क्या है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये चूर चूर सोनू सूद के नाम से इसका रीजन क्या है अपना? इसके पीछे एक्चुअली एक रीजन ये है कि लास्ट टाइम आपने देखा हो कोविड के बारे में, तो कोविड को लेके लोग कितने परेशान थे। मतलब एक बह का माहौल तक डरे हुए थे। इन लोग के मन में ये था कि कोई हमारी हेल्प करेगा नहीं, ऐसी बीमारी थी एक इंसान के छूने से दूसरे इंसान को फैल रही थी। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने को तैयार नहीं था। हाँ, तो उस दौर में एक सोनू सर थे जो एक फील्ड में आके लोगों की मदद करी, स्टार्ट करी। हाँ, और 24/7 मदद करी। जो पॉसिबल था सर ने वो किया। हाँ, और सर ने हर तरीके से मदद करी, खाना खिलाया, घर तक पहुँचाया। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अदरवाइज अगर हम बात करें तो बहुत लोगों ने पैसा डोनेट किया, लेकिन डोनेट करना और एक फील्ड में आकर मदद करना बहुत जमीन का फर्क है। तो मैं दूसरी बात करूं, उस दिन से लेके अभी तक भी सर हमेशा मदद करते हुए आ रहे हैं। अगर आप सर के घर के बाहर भी देखेंगे तो ऑलवेज वहाँ पे जो एक मदद की उम्मीद है वो सिर्फ सोनू सर हैं। तो इसी चीज़ से वो प्रभावित होकर मैंने सोनू सर का नाम इस्तेमाल किया सर। तो आपको सर एक किस तरह की से हेल्प की है आप बता सकते हैं? मेरी इस तरह की हेल्प हुई कि एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था, मैं फिर जॉबलेस हो गया। फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर मेरे मन में आया कि चलो मैं अपना ही कुछ काम स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा पहले से प्लानिंग था। तो मैंने प्लानिंग के लिए फिर मैंने सर को मेल वगैरह की और कुछ मैसेज किए, तो सर को मेरी सर को मेरा मैसेज रिसीव हुआ। तो सर ने फिर कुछ अमाउंट डोनेट किया और उस अमाउंट की वजह से आज मैं ये स्टॉल को अपना इस्टेब्लिश कर पाया। ओके, आप क्या क्या अभी आपके पास है दिखा सकते हैं? मेरे यहाँ पे नान में सारी वैरायटी मिलेगी। पहले नान की बात करते हैं तो नान में सारी वैरायटी मिल जाएगी। आलू नान, प्याज नान, गोभी नान, बटर नान, चूर चूर नान, लच्छा पराठा और रोटी। रोटी कुछ लोग जो रोटी होते हैं हमारी वो होती आटे में, कुछ लोग मैदा अवॉइड करते हैं तो उसके लिए हम आटे में रोटी। अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में हमारे यहाँ पर डेली 3 सब्जियाँ होती हैं। अब हमने अब स्टार्ट कर दिया है कि पनीर की सब्जी, पनीर में कुछ भी सकता है, चाहे वो शाही पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, मटर पनीर हो, पालक पनीर हो, और दूसरा था दाल, और एक सब्जी थर्ड सब्जी और डेली बेसिस पे चेंज होती है। ओके, दिखा सकते हैं आपके? हाँ जी, दिखा। कौन सा सब्जी है? ये है शाही पनीर। शाही पनीर है। दूसरी हम बात करते हैं दाल की। ये देखो दाल की कितना देख सकते हैं आप, और इसमें बटर डाला हुआ है, बटर भी देख सकते हैं। हमारे आलू गाजर, कौन सा सब्जी है? आलू गाजर, आलू गाजर मटर। जो यूनिक है हमारे पास सबसे वो है सिरके वाले प्याज। सिरके वाले प्याज के बारे में बात करें, सिरके वाले प्याज आपको इजीली इतनी जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। लोकल मार्केट में मिलेगी भी तो आपको रेस्टोरेंट में मिलेगी या बड़े बड़े होटल में मिलेगी, फाइव स्टार होटल में। इस तरीके से तो सिरके वाली प्याज की हमारी बहुत डिमांड है। आप देख सकते हैं सिरके वाले प्याज ज्यादातर होटल में मिलते हैं, फाइव स्टार होटल। और हम कोई दूसरी सैलेड में कुछ और नहीं रखते, सिरके वाली प्याज रखते हैं। उसके साथ हमारे पुदीने धनिया की चटनी है। घर बनाते हैं आप? हाँ जी, बहुत ही धनिया, हरी मिर्ची। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं रायता। रायता 10 रुपए ग्लास है। 10 रुपए ग्लास। हाँ जी, धीरे से। क्या लगाना है? यूनिफॉर्म भी आप पहने हो? नान सारी मिल जाएगी आपको। जैसे सर हम देख सकते हैं आप सुनू सुद का सर का टी शर्ट भी छपवा रखे हैं। हाँ जी, एक्चुअली हमारा एक ड्रेस कोड है। ये हम दो स्टाफ है, मैं हुआ और फिर ये सेकंड स्टाफ भी है, थर्ड स्टाफ हुआ है नान वाले भी। प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा इस पे बात करें, क्योंकि हम लोग ना अभी जब हम सर का नाम यूज करें तो वो छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, तो उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, है पहली बात। दूसरी बात ये है, हम दो तीन बातों के बारे में बात करें तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो होता है वो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरीके से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे एक पैसा कम बचे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सेकंड है कि हम कस्टमर्स का क्या कहते हैं, सॉरी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना प्रॉपर तरीके से। थर्ड है
कि हम लोग जो कस्टमर्स का फीडबैक जरूर लेते हैं, फीडबैक फीडबैक में जो कमियां होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, कुछ कमियां हैं तो आगे उसको सुधारते हैं। अच्छा, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे कुछ लोग आते हैं हेल्पलेस हैं, मतलब जो लोग पे नहीं कर सकते बट वो भूखे हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, वो खा सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो खाए और मैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला देता हूँ जो कुछ लोग हेल्पलेस हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो थी विशाल भैया ने डाली थी, हाँ। तो उसके बाद में मुझे ना पूरे इंडिया से फोन आते हैं, तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप पहले जब भी मुझे कॉल करते हैं पहले आप देख लिया कर रहा है कि लोकेशन कहाँ है। हाँ। कोई मुझे बिहार से कॉल कर रहा है कहते हैं कि मुझे ऑर्डर दे दीजिए, कोई मुंबई से कर रहा है, कोई हरियाणा से कर रहा है, तो प्लीज ऑलरेडी वीडियो में लिखा हुआ है कि मेरा न्यू दिल्ली, तो दिल्ली में आपका जो भी मेरे अराउंड एक किलोमीटर के अंदर है वहाँ तक का ऑर्डर मैं रिसीव कर सकता हूँ। ओके सर, चलेगा, क्योंकि मैं विशाल का ही वीडियो देख के इधर मुंबई से मैं इधर चल के आया, क्योंकि और काफी प्रोफेशनल तरीके से अच्छा लगा मेरे को आपका सर। और मैं सर से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक दिन सर मेरे शॉप पे जरूर आए, सर ने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, और लास्ट में ये कहूंगा थैंक यू सो मच सर, आपके जैसा इंसान हर घर में पैदा हो। ओके सर, मैं बहुत कोशिश करूंगा क्योंकि मैं खुद मुंबई से ये वीडियो पहुँचाने तक वहाँ तक उनके पास तक। ओके, क्या क्या है, कौन कौन सा नान है? ये चूर चूर नान है, हाँ, ये लच्छा पराठा, ओके, ये बटर नान, गोभी नान, ओके, पनीर नान, ओके, मूली नान, मिस्सी रोटी, सारी क्वालिटी मिलती है। हाँ जी सर। अच्छा, ये सारा चूर चूर का है, ये सब चूर चूर नान का है? हाँ जी, ये प्याज है, गोभी, पनीर, ये डबल पनीर, या भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो एक जगह मिक्स करके रखा, नहीं तो बाकी सारा भरते हैं पूरे में रहते हैं। ये बनना जी चूर चूर नान, ये चूर चूर नान है, ओके, इसके अंदर सारा कुछ भरा हुआ है। चुकंदर, गाजर, हरी मिर्च और मसाला, ये सर हम बना रहे हैं चुचू नान, बना रहे हैं बटर, पनीर भी जा रहा है। इस पे हमने डाला ये पनीर, ये कौन सा मसाला है? ये चाट मसाला है। ये डाली इस पे किशमिश, किशमिश भी, और ये क्या है? ये डाला काजू, काजू, ये क्या अमूल बटर, मटर पनीर आ गया। गाजर आलू मटर की सब्जी, सरगे वाली प्याज, ग्रीन चटनी, लग के तैयार हो गया। हाँ, प्लेट आपको एक बार आपका भी दिखा दिए।